ठीक है ना। और यहाँ पे इसको ओके करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस इसी वाले एप्लीकेशन के ऊपर मैंने 2-3 बार पहले भी वीडियो बनाई थी और गाइस रेस्पॉन्स जो है वो काफी अच्छा है। लेकिन गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, आप खुद थंबनेल के ऊपर आप देख के पता लग ही चुके हो कि आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्या बताने वाला हूँ। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर ये जो एप्लीकेशन है इसका प्रो मोड कैसे डाउनलोड करते हैं, मतलब उसको कैसे मतलब यूज करते हैं। प्रो के अंदर आपको बहुत सारे और भी ज्यादा सिस्टम मिल जाते हैं जो कि अलग अलग प्रकार के आपको यहाँ पे सिस्टम देखने को मिलेंगे। और गाइज मैं आपको एक एक सिस्टम के बारे में आपको अभी बताने वाला हूँ। तो गाइज ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप मोबाइल से डीजे मिक्सिंग करते हो, सॉन्ग वगैरह मिक्स करते हो मोबाइल से, तो गाइज इस वीडियो को पूरा देखते रहना, ठीक है ना। तो गाइज इस वाली वीडियो को हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। और गाइज बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि इस वाली एप्लीकेशन के अंदर जो रिकॉर्डिंग होती है, जो रिकॉर्डिंग कहाँ पे होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और रिकॉर्डिंग कितने घंटे तक हो सकती है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है ना। तो गाइज वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और गाइज इसके अंदर मैं आपको 2-3 ऐसे न्यू फीचर बताऊंगा जो कि गाइज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और गाइज मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो वाले फीचर्स आपने पहले कभी नहीं देखा है, मैंने खुद इसको ट्राई किया है बार बार तभी जाके मेरे को उस फीचर्स के बारे में पता चला। तो गाइज वो भी आपको इस वीडियो के आगे जानने को मिलेगा, तो गाइज वीडियो में बने रहिए। तो गाइज पहला वाला जो फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो काफी शानदार फीचर्स है। उसके लिए आपको क्या करना, सबसे पहले तो अपने मोबाइल के अंदर एयरफोन लगा देने, ठीक है ना। एयरफोन लगाने के बाद यहाँ पर आपको एक एयरफोन वाला ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से 3 प्रकार के यहाँ पर ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, ठीक है ना। अब गाइज यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप क्या करोगे, इसके अंदर मतलब एक स्पीकर भी लगा सकते हो और एयरफोन के अंदर भी अटैच कर सकते हो, यानी कि दोनों के अंदर आवाज जो है वो अलग अलग आएगी, ठीक है ना। वो भी कैसे आएगी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे वाले ऊपर ओके मतलब यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो एयरफोन की जो आवाज है उसके अंदर एक एयरफोन की आवाज के अंदर अलग गाना चलेगा और स्पीकर के अंदर जो गाना चलेगा वो अलग चलेगा। एक एयरफोन रहेगा आपके कान के अंदर, उसके अंदर सॉन्ग अलग चलेगा, और गाइज अगर आप किसी स्पीकर से कनेक्ट कर रखे हो तो उस वाले स्पीकर के अंदर गाना अलग चलेगा, ठीक है ना। अलग अलग गाने चलेंगे, मतलब सेम गाना नहीं चलेगा, ठीक है ना। और गाइज यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन और मिल जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब आपकी जो एयरफोन की जो केबल है वो कनेक्ट करने का ऑप्शन और मिल जाता है, ठीक है ना। अब गाइस मैं आपको बता देता हूं, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है ना, और यहां पे इसको ओके करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये वाला ऑप्शन यहां पे आ जाएगा, तो यहां पे देख सकते हो आपको लेफ्ट राइट का ऑप्शन यहां पे मिल जाता है। यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है QV1 QV2, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना, जैसे आप सॉन्ग चलाओगे तो आप जैसे फर्स्ट वाले पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो आपका जो आवाज है वो इस वाले के अंदर ही आएगी और इस वाले के अंदर आपकी आवाज अलग आएगी, ठीक है ना। इस पे क्लिक करोगे तो आपकी ये वाली जो आवाज है वो अलग आएगी और इसकी जो आवाज है अलग अलग, यानी कि दोनों कानों के एयरफोन के अंदर अलग अलग गाने की आवाज आएगी, ठीक है ना। इस वाली तरफ से अलग गाने की आवाज और इस वाली तरफ से अलग गाने की आवाज, ठीक है ना। तो गाइज ये वाला ऑप्शन ये इसलिए है, और गाइज इसके बाद आप इसकी जो आवाज है वो भी कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो इसकी आवाज यहाँ पे कंट्रोल हो सकती है, और गाइज प्रो वर्जन जो है वो ये है। तो गाइज इसको मतलब लेना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अब गाइज दूसरा जो है वो मेरे को काफी शानदार लगा है, और वो कैसे क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे स्नैपलर पे जाओगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये वाला ऑप्शन खुल के आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन खुल के आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये वाले ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि मैं आपको आवाज करके बता देता हूं। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो ये वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप जैसे ही मतलब इसके अंदर यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे जाओगे, एडिट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद इस पर क्लिक करोगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे प्ले मोड, यहाँ पे आपको प्ले मोड पे ओके करना है, और यहाँ पे आप जैसे ही लूप पे ओके करोगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बार एडिट वाले ऑप्शन पे वापस क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक बार आपको इस पर टच कर लेना ऐसे, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा कंटिन्यू बाजना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो इसको मैंने वापस बंद कर दिया, और वापस ऐसे मतलब क्लिक करूंगा, एक बार क्लिक करूंगा तो ये बार बार स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो पहली तो आपकी जो ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम आएगी, अगर आप मिक्सिंग करते हो मोबाइल से तो आपको ये वाली ट्रिक भी मैंने आपको बता दी, तो आपको ये वाली ट्रिक भी यूज कर लेनी है, ठीक है ना। और गाइज एक भाई ने मेरे को कमेंट किया कि इसके ऊपर रिकॉर्डिंग कैसे स्टार्ट होगी, ठीक है ना। तो गाइज रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए ऊपर एक बटन दिखाई दे रहा है यहाँ पे छोटा सा, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, और गाइज एक बार वापस क्लिक करोगे तो आपकी रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। और गाइज अब बात आती है कि रिकॉर्डिंग कितने
टाइम तक हो सकती है, ठीक है ना, यानी कि कितने घंटे तक हो सकती है, यानी कि आप लगातार कितने घंटे तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग पे ओके करना है, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे सेटिंग आ चुकी है। अब गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है रिकॉर्डिंग लिमिट, ठीक है ना, यहाँ पर रिकॉर्ड लिमिट पर ओके करना है। और गाइस यहाँ पर देख सकते हो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 30 मिनट और यहाँ पर बहुत सारे 10 घंटे तक की आप रिकॉर्डिंग इसके अंदर कर सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ साफ है। तो यहाँ पर गाइस 10 घंटे की रिकॉर्डिंग यहाँ पर कर सकते हो। इसके बाद आपको वापस मतलब जितने भी घंटे की करनी है आप उस पर क्लिक कर दीजिए ऐसे सिंपली और आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अब गाइस रिकॉर्डिंग वगैरह भी स्टार्ट हो जाएगी। और गाइस अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको प्रो मोड के अंदर कैसे डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो उसको डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे 3 लाइन पर वापस क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है वॉच वीडियो फ्री प्रो वर्जन, यानी कि एक बार वीडियो आप एड देखोगे तो 15 मिनट तक आपका जो है वो प्रो मोड के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूंगा आपके सामने यहाँ पे एड लोड होगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ऐसे एड आएगी। तो उस वाली एड को आप जैसे ही पूरा देखोगे तो आपका जो है वो प्रो मोड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो करके देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो हमारे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि 15 मिनट तक आप इसको, तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो हमारे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि आप इसको 15 मिनट तक यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे हमारे जो है वो टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है। और गाइज प्रो मोड के अंदर क्या क्या चीज़ स्पेशल है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपकी जो भी रिकॉर्डिंग करोगे आप तो उसकी जो रिकॉर्डिंग की क्वालिटी है वो काफ़ी शानदार आएगी अगर आप प्रो मोड के अंदर करोगे तो, ठीक है ना। आपको यहाँ पे एक ये फीचर्स मिलेगा और दूसरी बात क्या है कि आप जैसे ही मतलब फोल्डर के अंदर जाते हो यहाँ पे सॉन्ग वगैरह लेने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप सारी की सारी लिस्ट है वो दोनों तरफ खुल जाएगी, ठीक है ना। तो दोनों तरफ से आप सॉन्ग वगैरह यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल शानदार है। और गाइज यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रो मोड के अंदर आपका जो है सेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो गाइज वीडियो किसी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए और आगे भी अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।